गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि जो हमें वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर। आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि वाटर जो है अपने लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर के बिना अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा कि कहते हैं कि अपन फूड के बिना 5 वीक्स स्टे कर सकते हैं, वाटर के बिना अपन 5 डेज स्टे कर सकते हैं, लेकिन अपन इससे ज़्यादा जो है वाटर के बिना अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर अपने लिए नेसेसरी है। इफ़ वी डोंट गेट वाटर फॉर 3 or 4 days एट आवर हाउस, अगर अपने घर में जैसे पानी 3 से 4 दिन तक नहीं आता है, इट ट्रबल्स अस अलॉट, तब हमें कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम वाटर के बिना लिव नहीं कर सकते। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। वाटर जो है अपने लिए बहुत नेसेसरी है और अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वॉट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। देखिए, वाटर के सोर्सेज तो हमें बहुत मिलेंगे। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो कहीं पे आपको रिवर दिखेगा, लेकिन वो रिवर अगर उसमें पानी अच्छा नहीं है, वहाँ का वाटर डर्टी है, तो क्या आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछना है कि आप कैसा वाटर जो है आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन टैंक्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। आपने टैंक, हैंडपम्प, ट्यूबवेल तो देखे ही होंगे। डू यू एवर थिंक, क्या आपने सोचा कभी, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि ये वाटर आता कहाँ से है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे अभी तो हर पर्सन के घर में आपको जो है वाटर टैंक देखेगा, लेकिन पहले जो है हर किसी के घर में वाटर टैंक नहीं होता था। जैसे पूरे गांव में क्या होता था, एक वेल होता था, या फिर गांव से दूर एक वेल होता था, तो सबको जो है पानी लेने गांव से बाहर जाना पड़ता था, या फिर कहीं दूर तक जाना पड़ता था। तो पहले के टाइम में क्या होता था, वाटर कहाँ कहाँ से लाते थे, वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स। दीज डेज टैप्स आर यूज्ड इन हाउसेस। अभी क्या होता है, घरों में क्या होते हैं, टैप होता है, नल होते हैं। विलेजेस ऑल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स। विलेजेस में गवर्नमेंट वाटर टैंक होते हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पे आपको जो है हैंडपम्प देखने को मिलते हैं। आवर बॉडी हैज 70% वाटर, सो वी कैनॉट थिंक टू लिव विदाउट वाटर। ह्यूमन बॉडी में देखिए 70% वाटर होता है, तो अपन वाटर के बिना जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकते कि अपन जो है वाटर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ वाटर अराउंड योर विलेज टाउन। आप जिस विलेज या टाउन में रहते हो, तो आप बताइए कि आपके जो है चारों ओर क्या है। जैसे आपके घर के वहाँ वेल होगा या फिर ट्यूब वेल होगा, तो आपको बताना है यहाँ पे। कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट द डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स नियर विलेज सिटी। वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट रिसोर्स। आपको जैसे किसी रिसोर्स से वाटर मिल रहा है, तो रिसोर्स का नाम क्या है, हु, हाउ ओल्ड इज इट, ये कितना टाइम पुराना है, हु बिल्ड इट, इसे किसने बनवाया था, हाउ डज इट रिसीव वाटर। इसमें भी जैसे वेल है, यहाँ पर भी पानी कहाँ से आता है, वॉट आर द यूजेज ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या यूजेज है। विच फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज नियर इट, कौन सा मेला या फिर कोई भी फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। Realizing the importance of water in Rajasthan, general public and the ancient kings also developed very effective system for water collection. In this system, canals connected 2 or more ponds with each other. The ponds were filled with rainwater and water flowed out of that area. तो वाटर की इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही होगी। तो देखिए, जो पहले के टाइम के जो राजा होते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ वाटर कलेक्शन, मतलब उन्होंने भी कुछ बनवाया है
जैसे इन दिस सिस्टम इन्होंने क्या बनवाई, एक कैनल बनाई जो कि क्या है, दो बॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो उन्होंने जो पहले के टाइम जो किंग का होता था एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने भी देखिए अगर उनको जो है अपना किंगडम प्रॉस्परस बनाना है तो उन्होंने भी वाटर रिसोर्सेज जैसे कुछ चीज़ें से कैनल ये चीज़ें बनवाई होगी, क्योंकि अगर कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी एबंडेंट है तो ही वो किंगडम जो है सफिशिएंट माना जाता है। वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल द पॉलिसीज स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज मेड टू सस्टेनेबली मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, टू प्रोटेक्ट द वाटर एनवायरमेंट एंड टू मीट द करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन नीड। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन मतलब आपको जो क्या है वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को जो है वेस्ट नहीं करना है, ताकि क्या है अपनी जो प्रेजेंट डिमांड है, अपनी जो वाटर की अभी की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके, फ्यूचर की जो ज़रूरत होगी वाटर की वो भी पूरी हो सके। तो वाटर कंजर्वेशन मतलब आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या फिर कुछ एक्टिविटीज़ कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। इन ओल्डन डेज पीपल टुक वाटर फ्रॉम वेल, पहले के टाइम में क्या होता था जो लोग हैं वाटर को वेल से लेके आते थे। दीज डेज वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स इज फिल्टर्ड एंड सप्लाइड इन हाउस थ्रू पाइपलाइंस। अभी जो अपने घरों में पानी आता है वो देखिए लेक्स या पॉन्ड से ले लिया गया, फिर उसको फिल्टर करने के बाद ही हमें सप्लाई दी जाती है पाइपलाइन के थ्रू। यू मे हैव सीन सेवरल वेज, आपको तो पता ही होगा कि अपन वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अपन क्या करते हैं क्लोथ रखते हैं उससे अपन वाटर को फिल्टर करते हैं, या फिर अपन वाटर को बॉयल करते हैं, या फिर अपन कुछ कुछ के घरों में जो है प्योरीफाइंग मशीन्स होती हैं तो उससे वो वाटर को फिल्टर करते हैं। वी कैन अवॉइड मैनी डिजीजेज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर, अगर अपन प्योर और क्लीन वाटर पियेंगे तो अपन क्या है अपन को कोई डिजीजेस नहीं होंगे। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, उससे पहले ही अपन बॉक्स पढ़ लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि जैसे आप जो यूज़ कर रहे हो उसको क्या करना है, जिस एक्सटेंड पे आप जो है एनर्जी को यूज़ कर रहे हो आपको क्या करना है उसे थोड़ा सा कम ही करना है, जिससे कि क्या है एनर्जी जो है अपने फ्यूचर यूज़ तक अपन उसे फ्यूचर तक यूज़ कर सके, अपनी जो फ्यूचर डिमांड्स को भी वो फुलफिल कर सके। तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या, जैसे अपन जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं अपन उसको बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंट में यूज़ कर रहे हैं तो अपन बस उसे थोड़ा सा मिनिमाइज तो कर सकते हैं, तो यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, कुछ अपन वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, सुंदर वाटर रिसोर्सेज। बालीज और स्टेप वेल्स, देखिए इसमें अपन पढ़ रहे हैं बाली और स्टेप वेल्स, तो देखिए जैसे ये क्या होता है इसमें देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, तो यहाँ पे वो जो वाटर आता है वो रेन से आता है, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं इस वेल में, तो जितना वाटर का लेवल होगा जैसे इतनी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ये सीढ़ियाँ हैं, मान लीजिए वाटर का लेवल यहाँ तक है, ठीक है पानी यहाँ तक आया हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं इस सीढ़ी तक जा के यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं। अगर बारिश ज़्यादा ये वाला अभी भर गया तो अपन क्या कर सकते हैं इससे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं, तो इसे स्टेप वेल्स कहा जाता है। ये एशियन सोर्सेज है, मतलब ये पुराना टाइम में जो है स्टेप वेल्स और बाली होती थी, दे हैव एन अनयूजुअल डिज़ाइन, इनमें डिज़ाइन होती थी, दे आर टैंक विथ स्टेप ऑन ऑल साइड्स, ये क्या होते थे ये टैंक होते थे लेकिन इनके चारों साइड में क्या होती थी स्टेप्स सीढ़ियाँ होती थी। दीज वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर, इसको जो है कंस्ट्रक्ट करने का मेन रीज़न यही था कि जो है रेन वाटर को कलेक्ट करना। पीपल यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस, जो लोग हैं इसे
इस वाटर को ड्रिंक भी करते थे और अपने दूसरे कामों के लिए भी जो है इस वाटर को यूज़ में लिया जाता था। बाली इज़ वेरी कॉमन इन राजस्थान एंड गुजरात। तो ये आपको राजस्थान या गुजरात में देखने को मिल सकती है। मोस्ट बालीज आर नॉट यूज्ड नाउ एंड आर रन इन एंड आर इन रूइंस। अभी क्या है, बालीज को कोई यूज़ भी नहीं करता, और ये क्या है अभी खराब भी, इनकी कंडीशन अब खराब हो चुकी है। पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं कमिंग टू रामदेवरा, जो तीर्थ यात्री रामदेवरा में आए हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अगर आप यहाँ पे आए हो, ये वाटर क्या है बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो मोस्टली रामदेवरा लोग इसीलिए जाते हैं कि जो इस पवित्र पानी से वो जैसे नहा सके, नहाते तो नहीं लेकिन क्या है उस वाटर को थोड़ा सा लेके खुद के अगर अपन उसको टच भी कर देते हैं तो भी बहुत बढ़िया बड़ी बात होती है। दे टेक दिस वाटर अलॉन्ग विद देम, वो उस वाटर को अपने साथ भी लेके जाते हैं। मेदतानी बाली झुंझुनू, मेदतानी बाली झुंझुनू में वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ब्यूटीफुल है। इट वॉज बिल्ट, ये 1783 में बनाई गई थी। 150 मीटर, 150 फीट ये गहरी है। दी देर आर पीप होल्स, पीप होल्स का मतलब होता है झरोखे और गैलेरियाँ होती हैं इसमें। तो ये अपन ने पढ़ा बाली या फिर स्टेप वेल्स। अब अपन पढ़ेंगे लाइक बाली, सेवरल वेल्स आर ऑल्सो बिल्ट आर्टिस्टिकली। तो बाली की तरह मतलब आर्टिस्टिकली मतलब क्या है, कुछ इन्होंने अलग ही तरीके से बनाया, कुछ आर्ट यूज़ करके। जैसे इन्होंने टैंक बनाए तो इन्होंने इसमें क्या आर्ट लगाई, झरोखे भी हैं यहाँ पे और इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई। तो जो है वेल्स भी क्या है, कुछ आर्टिस्टिक तरीके से बनाए जाते थे। सम वेल्स आर राउंड, कुछ वेल्स क्या होते थे राउंड होते थे। ये वेल्स किससे बने होते हैं, ब्रिक्स से बने होते हैं। देयर आर द सेवरल मेथड्स ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम, बहुत सारे तरीके होते हैं कि अपन इन वेल से पानी कैसे निकालें। आर्टिस्टिक चटरिया, खेलिया, कुंडिया, ये सब क्या है, ये भी क्या है वेल्स में बने होते थे, स्क्वायर प्लेटफॉर्म में बने होते हैं। ठीक है, डैम, डैम क्या होती है, देखिए जैसे कहीं किस जगह पे क्या बारिश ज़्यादा आती है, तो अगर बारिश ज़्यादा आएगी तो वो क्या करेगी अपने साथ, अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्लड आने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे फ्लड आ गई तो वहाँ पे क्या है, देखिए वो जो है विलेज डूब भी सकता है, या फिर वहाँ की जो है क्रॉप है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये डैम क्या होता है, ये एक बैरियर बनाया जाता है जिससे कि क्या अपन एक्सेस वाटर को रोक सके। तो जैसे यहाँ पे ये नदी है, ठीक है यहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या एक दीवार बना दी जिससे क्या है वाटर आगे फ्लो नहीं हो सके, उसी दीवार को डैम कहा जाता है। अ डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। तो डैम क्या एक बैरियर है जिसको बनाया जाता है किस लिए, ताकि जो वाटर के फ्लो को रोक सके। कहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड और यहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हो, या फिर जहाँ पे जो वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है। रिजर्वर क्रिएटेड बाय डैम्स नॉट ओनली सप्रेस फ्लड, तो इन्होंने डैम बनाने का ये रीज़न ही नहीं है कि अपन जो है फ्लड को कंट्रोल कर सके, बाढ़ ना आए, लेकिन बहुत सारे रीजंस भी हैं कि जैसे इसके पास में जो फील्ड है उस फील्ड को क्या आपने क्रॉप्स ग्रो की है तो उसको भी वाटर तो देना पड़ेगा, इरिगेशन तो करना पड़ेगा। तो डैम बनाने के ये रीज़न भी है कि जो है इरिगेशन हो जाता है, ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन भी इजीली यूज़ कर सकते हैं उस वाटर को, इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ कर सकती है उस वाटर को। हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस वाटर से जो है अपन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। मेदतानी बाली अभी अपन ने पढ़ा था जो 1783 में बनाया गया था, 150 मीटर डीप है। तो ये देखिए माही डैम का आपको फोटो दिया हुआ है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स अपन अगले लेक्चर में करेंगे।